हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिवेश चौहान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा ब्लूटूथ हैंड्स फ्री है जिसके अंदर आपको यूज़ करने के बाद, यानी कि इसको लेने के बाद आपको 6-7 महीने में इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे ये जो ब्लूटूथ हैंड्स फ्री है उसका आप बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हो एक छोटे से ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा हैंड्स फ्री है ना, इसको यहाँ से धीरे धीरे खोल लेना है। तो खोलने के लिए आप कटर की मदद ले सकते हो या तो कोई भी नोकेली चीज़ का यूज़ कर सकते हो। इसको आपको आराम से खोलना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये जो यहाँ पे पट्टी दिया है ना, उसको आराम से इसके ऊपर रख के आप खोल सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग धीरे धीरे इसको यहाँ से खोल लेते हैं। तो देखिए, हमें जो हमारा जो ब्लूटूथ हैंड्स फ्री है इसको खोल लिया है। इसके अंदर जो बैटरी जो है ना, इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि आप बैटरी की साइज़ भी देख सकते हो ये कितनी छोटी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बैटरी है इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और इसकी जगह दूसरी बैटरी, यानी कि कोई हमारे पास जो पुराना मोबाइल है नोकिया का या तो कोई भी ऐसा कीपैड वाला फ़ोन, तो उसकी जो बैटरी है वो हम लोग इसके अंदर लगाएंगे। तो चलिए अभी पहले तो ये काम करते हैं, यहाँ से ये जो बैटरी है वो निकाल लेते हैं और यहाँ दूसरे दो वायर लगा लेते हैं जो हम बैटरी एक्सटर्नली लगाएगी, क्योंकि ये बैटरी छोटी सी साइज़ में है और जो हम लोग बैटरी लगाने वाले हैं वो बड़ी साइज़ में रहेगी। तो यहाँ पे पहले इसको हम लोग हटा लेते हैं और इसकी जगह दो वायर एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। तो अभी हमने ये जो पुरानी बैटरी है उसको निकाल लिया है और यहाँ पे आप सर्किट के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे B+ और B- लिखा है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे दोनों साइड एक एक वायर लगा लेना है। तो उसके लिए मैं ये दो वायर ले रहा हूँ जिसमें से एक ब्लैक है और एक रेड कलर का है। तो रेड कलर का जो है वो B+ में लगाएंगे और जो ब्लैक कलर का है वो B- में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने रेड और ब्लैक कलर का वायर जो है वो लगा लिया है बैटरी के ऊपर। तो ये जो मेरे पास पुराने जो मोबाइल है उसकी बैटरी थी, तो ये बैटरी को ही हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। पर अभी क्या है कि ये बैटरी साइज़ में तो काफ़ी बड़ी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको बाहर की ओर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो केस है, यानी कि ये जो हमारा हैंड्स फ्री है उसका केस, इसके अंदर कहीं पर भी एक छोटा सा छेद कर लेंगे जहाँ से हम लोग ये जो बैटरी के दो वायर है ना उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक होल कर लिया है और इसके अंदर से ही दो वायर लगा लिया है और बाकी के जो सर्किट है उसको इसके अंदर फिट कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी बैटरी है ना इसको यहाँ पर लगाना है। तो हमारी बैटरी इस तरह से यहाँ पर लगेगी या तो इस तरीके से यहाँ पर लगेगी। तो ये वायर यहाँ से हम इतना कट कर देंगे और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे तीन टर्मिनल है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी कि ये जो पहली वाली जो है वो पॉजिटिव की है और लास्ट वाली है वो नेगेटिव की है, और ये बीच वाली जो है ना वो हमारे जो मोबाइल के उसमें लगा होता है ना, इसमें ये ज़रूरत पड़ती है। इसकी मदद से आपको ये पता चलता है कि आपका ये जो बैटरी है वो कितना परसेंटेज चार्ज है। चलिए अभी ये जो रेड वाला है वो यहाँ पे प्लस में लगा लेते हैं और जो ब्लैक वाला है वो यहाँ पे माइनस में लगा लेते हैं। तो हमने ये जो बैटरी है उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी बैटरी है इसको यहाँ पे इसके ऊपर लगा लेना है कोई सेलो टेप की मदद से। तो यहाँ पे हमारी जो पहली वाली जो बैटरी थी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको मैंने हटा के ये जो दूसरी वाली मेरे पास बैटरी थी उसको लगा लिया है, और ये जो वायर थे वो भी बैटरी में लगा लिया है, और जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसको बैटरी के साथ सेलो टेप की मदद से अच्छे से चिपका दिया है। इसको अभी पहले हम लोग चार्ज कर लेते हैं। तो चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल जो हमारी चार्जर की पिन रहती है उसको ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ लगाने के बाद ये हमने स्विच ऑन किया, तो देखिए यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है, इसका मतलब कि ये जो हमारी बैटरी है वो चार्ज हो रही है। जब भी ये लाइट हमारी रेड कलर की है वो ऑफ हो जाके ब्लू कलर की हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारी ये जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए चार्ज होने देते हैं। तो यहाँ पे मैं बैटरी को कुछ देर तक चार्ज करने के बाद ये निकाल लेता हूँ। अभी भी ये बैटरी हमारी फुल चार्ज नहीं है, पर चलेगा इतना, क्योंकि ये अभी चालू हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ ब्लू कलर की लाइट ऑन हो चुकी है, यानी कि ये जो हमारा ब्लूटूथ है वो ऑन हो चुका है। चलिए अभी इसको हम लोग मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अभी इसमें मैं आपको सॉन्ग प्ले करके भी सुना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं NCS म्यूजिक का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे सुनिए।
तो यहाँ पे इसकी जो बैटरी है वो अभी मैंने फुल चार्ज नहीं किया इसीलिए ये ब्लिंक हो रहा है, पर अगर फुल चार्ज इसको कर दे तो ये काफ़ी अच्छा हमें बैकअप देगा। आप यहाँ पे इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी ये छोटा सा मॉडिफिकेशन है ऊपर काफ़ी काम का लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने कैसे ये बैटरी लगाई है वो आपको मैंने समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो डिटेल है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो हमारी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आकर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।